दोस्तों मेरे पास आ चुका है बोट की तरफ से 255 Pro Plus और ये बेसिकली एक नेकबैंड ईयरफोन है। और दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहूंगा, Amazon और Flipkart पे इसकी जो रेटिंग्स है वो 4.5 लाख से ऊपर है। तो दोस्तों हमारे पास भी आ चुका है ये रिव्यू करने के लिए। मैं करने वाला हूँ आज की वीडियो में इसका रिव्यू। और सीरियसली देखो, ये जो नेकबैंड आता है, ये नेकबैंड ईयरफोन आप सबको 1000 के अराउंड में देखने को मिलता है। और बताने वाला हूँ आज की वीडियो में क्या ये नेकबैंड ईयरफोन काफी बेस्ट है या नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। इसका की हाईलाइट ये है कि ये आप सबको 40 घंटे का प्लेबैक आवर देता है। और सीरियसली इस प्राइस रेंज में ओनली यही है बोट का 255 प्रो प्लस जो आप सबको इतना सब कुछ दे रहा है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल। वीडियो काफी ज्यादा एनर्जेटिक आज की भी होने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वीडियो को कर देना एक बार लाइक और कमेंट करके बताना आपके थॉट्स कैसे लग रही है आज सर की वीडियो। काफी ज्यादा एनर्जी में हूँ और जो भी नया बंदा देख रहा है सब्सक्राइब करके ग्रे कर देना। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप सब इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। सो गाइस ये रहे हमारे बोट के 255 प्रो प्लस। एंड बैक साइड की बात करूँ तो आप सबको कुछ मेजर हाइलाइट देखने को मिलते हैं और हमारा सुंदर सा हीरो यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी बैक साइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बट वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसी को करते हैं जल्दी से ओपन। ओके सो फर्स्ट चीज़ आप सबको यहाँ पे आपका ईयरफोन और पीछे कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जो कि मैं अगर आप सबको ओपन करके दिखाऊं तो आप सबको वही सारी पुस्तकें बोर्ड की तरफ से जो लंबे लंबे पुस्तकें आप सबको देखने को मिलती है। एंड कुछ वारंटी कार्ड्स और एक मैनुअल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं और चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी है, काफ़ी बढ़िया है। एनीवेज रखते हैं सबको साइड में। ये है हमारा बोट का 255 प्लस। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आप सबको देखने को मिलता है, सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये दोनों ही चीज़ मैग्नेट है तो अपने आप ये चिपक जाती है तो काफ़ी कूल लगता है, मैं बहुत बार करूंगा, बहुत मजा आता है। बाकी यहाँ पे आप सबको बोट की फिनिशिंग देखने को मिलती है और फर्स्ट लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे भी आप सबको बोट की और इस साइड भी आप सबको बोट का लोगो देखने को मिलता है। ब्लूटूथ ऑन डिवाइस और प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा ओवरऑल अनबॉक्स एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे आप सबको मैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो देखो जो फर्स्ट ईयरबड्स हैं वो आप सबको ये जो फिनिशिंग है आप सबको टोटली मेटल की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप सबको दोनों में ही बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसके बाद जो इसके सारे ऊपर का पार्ट है वो आप सबको प्लास्टिक देखने को मिलता है। और मैं कहूंगा यार ये प्लास्टिक मेरे को डिसेंट लगा, मैं बोल सकता हूँ ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उतनी प्रीमियम लेवल की नहीं देखने को मिलती है, मतलब ठीक ठाक है। ये जो आप सबको हेडफोन है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, मैं किसी भी एंगल में इसको मोड़ मोड़ के अच्छे से करता हूँ बट फिर भी ये आराम से सुलझ जाता है। मैं बोल सकता हूँ काफी ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका है मैग्नेटिक, मैं मतलब दिन भर करता हूँ इसमें आप सबको दोनों में मैग्नेटिक देखने को मिलता है। गले में लगाओगे तो चिपक जाते हैं एक साथ दोनों बर्ड्स और काफी ज्यादा कूल लगते हैं और काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग देते हैं। और गाइस देखो जिस प्राइस रेंज में ये नेकबैंड ईयरफोन देखने को मिलते हैं, मैं बोल सकता हूँ लुक और बिल्ड क्वालिटी मेरे को डिसेंट लगी। बट आप सबको पता ही है मैं ज्यादातर नेकबैंड ईयरबड्स प्रेफर नहीं करता हूँ, ज्यादातर मैंने यहाँ पे वायरलेस के भी रिव्यू कर रखा है, आप सबने देखी नहीं है तो वो भी देख लेना। बाकी अब आ जाता है सबसे पहले इस ईयरफोन की म्यूजिक क्वालिटी की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं म्यूजिक क्वालिटी का टेस्ट ले लेता हूँ कि कैसी आती है इसकी म्यूजिक क्वालिटी और मैं आप सबको देखने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं एक साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लूं। ओके सो यार म्यूजिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक बहुत सारे सुन के टेस्ट कर चुके हैं बट ऐसे कूल दिखने के लिए यहाँ पे ऐसे किया था। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मेरे को बताना हो इसकी म्यूजिक क्वालिटी की तो देखो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे बेस लवर हूं। और देखो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ यार अगर कोई बेस लवर है और आप सबको बेस बहुत तगड़ा चाहिए किसी ईयरफोन का तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा इसको ट्राई करना, कोई भी आप सबको शिकायत नहीं मिलेगी। 255 प्रो प्लस में आप सबको 10mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर देखने को मिलता है जो कि सीरियसली काफी ज्यादा एपिक लगे मेरे को। और हाँ आप सबको अगर अंदाजा लगाना है कि आप सबको अगर ईयरफोन में कैसा बेस है तो आप सब ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके बेस बूस्टेड सॉन्ग्स ऐसे कुछ मिल जाएंगे और आप सब उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। सीरियसली यार बेस मेरे को इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा। बात करूं मिड्स और हाईस की तो मेरे को डिसेंट लगे, मतलब हाँ थोड़ी बहुत अगर मैं कोई ऐसे हाई पिच वाले गाने सुनता हूँ तो थोड़ा सा इसकी पिच जो है वो थोड़ी सी हाई हो सकती है बट अगर वो थोड़े कम वॉल्यूम पे सुनोगे तो डिसेंट लगती है बट ज्यादा वॉल्यूम पे थोड़ी सी आप सबको पिच प्रॉब्लम होगी। लाउडनेस की अगर मैं बात करूं तो यार वो तो जबरदस्त है, फुल वॉल्यूम पे चलाओगे तो आप सबके कान भी फट सकते हैं, कान के पर्दे भी फट सकते हैं।
एंड हाँ, नॉइस कैंसिलेशन आता है, मतलब आप सब अगर ईयरफोन्स लगा लेते हो और बगल में आप सबका कोई दोस्त गाली दे रहा है तो वो आप सबको सुनाई नहीं देगा। ओके, मजाक की बात साइड में, बट सीरियसली अगर मेरे को साउंड क्वालिटी बतानी हो तो यार काफी ज्यादा मेरे को जबरदस्त लगी, स्पेशली बेस। अब आ जाती है इसकी कंफर्ट के ऊपर। एयरटिप्स तो आप सबको बहुत देखने को मिलती है और आप सबको एक साइड में ना कुछ ऐसा, इसका मेरे को नाम नहीं पता इसको बोलते क्या है, बट ये चीज थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है, ये कान का काफी ज्यादा कभी कभी तो फिट नहीं हो पाता, बट मैं कह सकता हूँ अगर एक बार फिट हो जाता तो काफी अच्छा फिटिंग है इसकी, मतलब मैं हिलूंगा भी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मेरे को बताना हो कंफर्टेबिलिटी के बारे में तो मैं 10 out of 7 बोलूंगा। और हाँ, ये जो चीज है इसको आप सब निकाल भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेस किया, मैं इसको ज्यादा देर तक पहन के रखा था तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे कानों में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ज्यादा देर तक अगर मान के चलो 10-15 मिनट एक घंटा सुनना है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक घंटे से ऊपर अगर ज्यादा सुनोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके कान वान में, क्योंकि इसकी फिटिंग थोड़ी सी अजीब लगी। ये सब बात में साइड में, अब आ जाते हैं इसकी मेन बैटरी के ऊपर। तो देखो, कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 10 मिनट चार्ज करोगे तो 10 घंटे का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, जो कि सबसे तगड़ा लगा। और यार सीरियसली अगर मैं आप सबको दिखाऊं, मतलब मैं जब से लाया हूँ इसको अभी तक मैंने चार्ज भी नहीं किया, अराउंड 5 से 6 दिन से यूज कर रहा हूँ, 100% पे 100% ही अटकी हुई है, मैं इसको चार्ज कब करूँ यार, कोई समझ में नहीं आ रहा। और चार्जिंग का यहाँ पे आप सबको यूएसबी टाइप सी देखने को मिलता है, तो वो काफी ज्यादा मेरे को एक अच्छी चीज लगी। अगर टोटल चार्ज कर लोगे तो 40 घंटे का प्लेबैक आवर टाइम देखने को मिलता है, जो कि सीरियसली इस प्राइस रेंज में सिर्फ यही नेकबैंड 255 प्रो प्लस दे रहा है। और हाँ, थोड़ी बहुत मैंने गेमिंग भी की थी, लाइक BGMI टेस्ट मैंने किया, काफी अच्छी फुटस्टेप्स आ जाते हैं, राइट से बंदा आ रहा है तो राइट से, लेफ्ट से आएगा, और लेटेंसी भी मैं डिसेंट बोलूंगा। हाँ, गेमिंग वेमिंग करना है तो डेफिनेटली आप सब इसके साथ कर सकते हो बड़े आराम से। जो साउंड है आप सबको फायर वायर की वो भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करूँ इस नेकबैंड के कनेक्शन की तो आप सबको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है और काफी ज्यादा इंस्टेंट लगा, मतलब मैंने जस्ट यहाँ ब्लूटूथ वाला बटन को होल्ड किया और वहां पे ब्लूटूथ शो किया और डायरेक्टली आपके फोन में कनेक्ट हो गया। कुछ एक दो फीचर देखने को मिलता है, जैसे IPX7 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो जिम विम करोगे, ऐसे भाग दौड़ करोगे, इसको पहन के पसीने आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सबको यहाँ पे ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे दो फोन में अगर एक साथ इसको पेयर करना है तो वो चीजें आप सबको देखने को मिलती है। टोटल अगर इन दी एंड मेरे को बताना हो किसको ये ईयरफोन लेना चाहिए, देखो फर्स्टली उन बंदों को लेना चाहिए जिनको बेस बहुत पसंद है, बेस चाहते हैं, मतलब एक ईयरफोन मिल जाए जिसमें बेस ऐसे तगड़ा सा निकले, और ऐसे बंदों को लेना चाहिए जो बार बार चार्ज में नहीं लगाना चाहते हैं, लाइक सीरियसली चार्जिंग वाइज ना 40 घंटे का आप सबको प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है और अभी तक मैंने चार्ज में नहीं लगाया। और आप अगर उन बंदों में से हो जो एक ब्लूटूथ नेकबैंड ईयरफोन लेना चाहते हैं बट उसे चार्ज नहीं करना चाहते बार बार, तो डेफिनेटली इसके साथ आंख बंद करके जा सकते हो। तो कैसी लगी आज की वीडियो, होपफुली देख के मजा आया होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी में था। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना यार, और ऐसी एनर्जेटिक वीडियोस के लिए शेयर कर देना वीडियो को, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।